मलमास मेला प्रत्येक 3 वर्ष पर राजगीर में लगता है। राजगीर नालंदा जिला के अंतर्गत बिहार राज्य में अवस्थित है। अभी आप हमारे साथ राजगीर का मलमास मेला देख रहे हैं। मलमास मेला में लगा हुआ झूला काफी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ लोग मलमास मेले का वीडियो भी बना रहे हैं ताकि मलमास मेले में घूमने की यादों को सहेज सके। लोगों की भीड़ आती हुई और जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। हम चारों ओर रंग बिरंगे कपड़ों में तीर्थयात्रियों को देख रहे हैं। हमारे सामने डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। मालूम ही नहीं होता है कि हम रात के अंधेरे में मेले को देख रहे हैं। अभी हम डिज्नीलैंड मेले में प्रवेश कर रहे हैं। लोग मेले में खरीदारी कर रहे हैं। डिज्नीलैंड मेले में कई चीजों की दुकानें लगी हुई हैं। हम विभिन्न वस्तुओं की दुकानों को देख रहे हैं। दुकानों में अलग अलग सामग्रियां बिक रही हैं। इस डिज्नीलैंड मेले में बाहर की तुलना में लोगों की भीड़ अत्यंत ही कम है। डिज्नीलैंड मेला आम दिनों में चलने वाला मेला की तरह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों की भीड़ है ही नहीं। यहाँ दैनिक जरूरत की प्रत्येक चीजों की दुकानें लगी हुई हैं। बच्चों के खिलौने, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, श्रृंगार प्रसाधन, खेल कूद के सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लकड़ी के बने हुए सामान, जूते चप्पलों इत्यादि की दुकानें लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए झूले इत्यादि भी लगे हुए हैं। अभी आप हाथ से बने हुए लकड़ी के और तार के बने हुए नक्काशीदार सामानों को देख रहे हैं। डिज्नीलैंड मेला से बाहर निकलकर मलमास मेला क्षेत्र में आ गए। अभी हम कुंड क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। लोगों का सैलाब दिखाई पड़ रहा है। खान पान की दुकानों में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। वे खान पान की सामग्री बाहर सजा कर रखे हुए हैं ताकि लोग आकर्षित होकर उनके दुकानों में भोजन करें। हम लोगों को कुंड क्षेत्र से नहा कर आते हुए देख सकते हैं। लोग अपने सामानों को सिर पर लाद कर ले रहे हैं, कोई बैग में कंधे पर टांग के ले रहे हैं। सभी लोग नहाकर प्रसन्नचित्त होकर वापस लौट रहे हैं। लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। जैसे जैसे हम कुंड क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है।
लोग यहाँ वहाँ दुकानों में खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम सामने देख पा रहे हैं कि लोगों की भीड़ कितनी अधिक है, पैर रखने की भी जगह मालूम नहीं हो रही। ऐसा मालूम होता है कि लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सभी लोग कुंड में नहाकर वापस लौट रहे हैं। अन्य जगहों की अपेक्षा कुंड के पास थोड़ी भीड़ अधिक है। मेला क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था काफी अच्छी है। रात होने के बावजूद भी हमें अंधेरा महसूस नहीं हो रहा है। चारों ओर चकाचौंध रोशनी है। अब हम कुंड क्षेत्र के पास पहुंच रहे हैं। हमें कुंड क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए रास्ता दिखाई पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए यहाँ जिगजैग क्षेत्र बनाया गया है, ताकि श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर कुंड क्षेत्र में स्नान कर सकें। जिगजैग की व्यवस्था होने से अनावश्यक भीड़ एक साथ प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होती है। अभी हम कुंड क्षेत्र के पास हैं। यहाँ पर भीड़ कम है, क्योंकि रात का समय है। अब हम कुंड क्षेत्र के मुख्य द्वार के पास पहुंच चुके हैं। मुख्य द्वार को बंद किया गया है, ताकि लोग जिगजैग से होकर कुंड क्षेत्र में प्रवेश करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।